तो हम आए हैं मिनी मालदीव्स, ये है उत्तराखंड में टिहरी। कल रात बहुत बारिश हुई है तो आज मौसम बहुत ही ठंडा हो गया है। तो 12:30 बज गया है और हम फिर से फंस गए हैं एक जगह, रास्ता बंद हो गया है और मैप गोल गोल घूम रहा है। तो अभी हम जिस रास्ते में, वो इतना आसान नहीं है क्योंकि रास्ता बहुत पतला है और कल रात बारिश हुई थी तो जगह जगह पत्थर। तो यहाँ पे है जो दो नदियाँ मिल रही हैं और हमें टेहरी डैम पे भी एक स्टॉप लेना है, फिर हम आगे अपना जहाँ हमारा स्टे है वहाँ पहुँचेंगे। चलते हैं आगे। बोल रहा हूँ ये नहीं है। इंडिया में ही एक और स्पेशली उत्तराखंड में ही एक जगह है तो एनी गैसेस। वैसे हम लाइव सो रही हैं, दोबारा रिकॉर्ड करो। देखो पुल का कलर चेंज हो रहा है। तो हम जा रहे हैं अब टिहरी के लिए, निकल रहे हैं। मतलब 5 से 5.5 घंटे का रास्ता है। सामने आप देख रहे हो बादल चल रहे हैं, ये सारे बादल अभी ऊपर आ गए थे, अब तो नीचे जा रहे हैं। तो हम लोग निकल गए हैं अपने होटल से। कल रात बहुत बारिश हुई है तो आज मौसम बहुत ही ठंडा हो गया है, बट ये है कि आज व्यू बहुत अच्छा हो गया, सब जो हेज था वो क्लियर हो गया। आप लोगों ने कुछ कुछ अभी वीडियोस में देख ही लिया होगा, तो आज होपफुली हमें अच्छे पहाड़ देखने को मिलेंगे, वरना हेज की वजह से कुछ भी पहाड़ ही नहीं देखने को मिल रहा था। ठंडा भी पड़ गया, आप देख सकते हो जैकेट पहन ली है, पर बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। जस्ट हम लोग थोड़ा अर्ली मॉर्निंग निकले कि हम लोग जल्दी रास्ता कवर कर पाए और हम अपने डेस्टिनेशन जल्दी पहुंच पाए। थोड़ा दीपाली ठंड के माले अंदर बैठी हुई है। जैसा कि मैंने कहा था आज व्यू बहुत अच्छा हो गया है, तो आप लोग देखो क्या प्यारा बादल दिख रहे हैं। हम लोग रास्ते में फिर से थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे, हम लोग फिर रुक गए व्यू के चक्कर में। पूरा वैली आज दिख रहा है साफ। हाँ ऑब्वियसली बहुत क्लाउड्स हैं बट हेज नहीं है तो क्लियर है और बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है। हमें चलते हुए 2 घंटे हो गए, तो अभी हम जिस रास्ते में, वो इतना आसान नहीं है क्योंकि रास्ता बहुत पतला है और कल रात बारिश हुई थी तो जगह जगह पत्थर और रेता ऐसे गिरा हुआ है और पहाड़ की दूसरी नदी भी बह रही है नीचे। तो रोड जैसे जैसे बारिश होती है तो रिस रिस के और रास्ता पतला होता गया है। पहले रास्ता चौड़ा था बट अब इतना ही बचा है, तो अब देखते हैं आगे रास्ता कैसा है। तो हम लोग हैं देवप्रयाग के रास्ते में। देवप्रयाग यहाँ से अराउंड 10 किलोमीटर है। जस्ट हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक लिया क्योंकि पैर अकड़ गए थे देर से बाइक गाड़ी चलाते हुए। पीछे आपको हरी हरी गंगा नदी दिख रही है, बहुत ही सुंदर है। बादल भी नीचे आ गए पहाड़ों पे, बादल आप इधर से देख सकते हो। कल की बारिश का ही असर है कि मौसम इतना बढ़िया हो गया, लेकिन ठंड हो गया। हाँ आप जैकेट निकल गई है हमारी जो हम एक एक लेके आए थे,
और ये रास्ता पूरा गांव-गांव से होके आता, तो बहुत ही सुंदर था और ट्रैफिक रास्ते थे। हाँ, रोड छोटी है बट ट्रैफिक मतलब गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं तो ईजी है। अब यहाँ से 3 घंटा लगेगा एक्चुअल टेहरी डैम के आगे जहाँ तक हमें जाना है वहाँ पहुँचने में। चलो हम लोग पहुंच गए हैं देवप्रयाग। ये आई थिंक संगम पॉइंट है। पीछे आप देख सकते हो बोर्ड, गूगल मैप में दिखा रहा है कि ये देवप्रयाग व्यू पॉइंट है। जितना हमने पता है कि यहाँ पे 2 नदियाँ मिलती हैं, तो ऐसा लग तो रहा है नीचे यहीं पे सब लोग खड़े हैं, सब लोग फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं। शहर में आपको दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो नीचे यहाँ नदी है, इधर ये शहर दिख रहा है और ये व्यू है। तो यहाँ पे है जो 2 नदियाँ मिल रही हैं, एक ऊपर से आ रही है और एक ये है और ये इधर जा रही है। तो हम लोग हैं टेहरी के रास्ते में, हम लोग देवप्रयाग से ऊपर चढ़ना शुरू करें टेहरी की तरफ और बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही गांव, हम लोग गांव के बीचों में से जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी है और बादल ही बादल है। ऐसा लग रहा है हर जगह थोड़ी देर गाड़ी रोक लें और फोटोज़ खींच लें, वीडियो बना लें। बट ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा सफर। अभी ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर रह गया, मतलब 2 घंटा दिखा रहा है गूगल मैप में, और हमें टेहरी डैम पे भी एक स्टॉप लेना है, फिर हम आगे अपना जहाँ हमारा स्टे है वहाँ पहुँचेंगे। चलते हैं आगे। 12:30 बज गया है और हम फिर से फंस गए हैं एक जगह, रास्ता बंद हो गया है और मैप गोल गोल घूम रहा है। तुम बता दिया अभी कब तक पहुँचेंगे। अक्षय रिपोर्टर, अक्षय भी ज़्यादा कंफ्यूज, तो किसी से पूछा भी नहीं, तो सुनसान हो रहा है, किसी से पूछ भी नहीं सकते, किसी को रास्ता नहीं पता है। तो फाइनली हम अपने रूट पर आ गए, तो बीच में एक चेक पोस्ट बना था, तो बहुत सारे चेक पोस्ट ऐसे हैं जहाँ आप एंटर नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम दूसरा टर्न लेके चले गए, फिर आगे जाके रास्ता हो गया बंद, फिर हम यू टर्न लेके गए, तो पुलिस वालों से हमने पूछा, तो उसने बोला अरे यार आप आओ तो हम गेट खोल दें आपके। तो फिर अब हम अपने रूट पर जा गए, तो अगर कोई मैप फॉलो करके जा रहा है ना और गाँव होते हुए जा रहा है, तो कई बार ऐसा होगा कि मैप आपका साथ छोड़ देगा, फिर आप लोगों से पूछोगे, तो लोग भी कुछ अलग अलग बताते हैं। तो अच्छे से मुझे लगता है बफर में टाइम लेके चले तो कहीं पहुंचना है, तो अगर रास्ता गुम भी हो गया तो फिर पूछ पाछ के अपने रास्ते पे आ जाएंगे। तो अभी हम फिर आगे जा रहे हैं, यहाँ से 20 किलोमीटर है अभी टेहरी। हम लोग डैम के पास पहुंच गए हैं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और अच्छा दृश्य दिखेगा। वही तो बोल रहा हूँ, ये नहीं है। Thank you.
डेस्टिनेशन पे। तो अभी कहाँ पहुँचे वो बाद में दिखाएंगे, क्योंकि अब लंच टाइम हो गया तो बहुत भूख लग रही है। तो हमने बस जल्दी से खाना ऑर्डर किया है, खाने में दाल मखनी, राइस, रोटी, सैलेड वगैरह। तो हम जल्दी से अब खाते हैं, फिर उसके बाद आपको रेडी होंगे और फिर दिखाएंगे कहाँ आए हैं। बाय बाय। हेलो एवरीवन। सो हम इतनी देर से या दो दिन से हम जिस डेस्टिनेशन में आने के लिए कह रहे थे, फाइनली हम वहाँ आ गए। तो वहाँ आए हैं हम बोट से, लेकिन ये इंडिया में ही एक और स्पेशली उत्तराखंड में ही एक जगह है। तो एनी गैसेस, वैसे हम लाइव सो रही हैं, दोबारा रिकॉर्ड करो, कैंसिल कर दो इसको। नहीं, चीटिंग करता है तो कंटिन्यू, प्लीज कैंसिल कर, एक्शन। तो आप लोगों ने देखा ही होगा, हम लोग बोट से एक जगह आए, हम लोगों ने वीडियो में थोड़ा दिखाया, आई डोंट नो आपको दिखा नहीं होगा। तो ये जो जगह तो है, हम आए हैं बोट से। तो हम आए हैं मिनी मालदीव्स, ये है उत्तराखंड में टिहरी जो एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, और वहाँ से शुरू होता है। और ये हमने छत्ता लिप होटल मंगवाया है। तो आप लोग देख सकते हो ये यहाँ पे हट्स बने हुए हैं। अगर आप गूगल करोगे तो फ्लोटिंग हट्स अगर आप करोगे तो ये आपको दिख जाएगा। ये स्टेबल नहीं है, नीचे ये फ्लोट हो रहा है कंटिन्यू। तो अगर हम जैसे जमीन पे जब हम बेड पे लेटते तो हमें फील भी होता है कि ये मतलब तैर रहा है। और चलो लिपोटल। तो ये सारा जो है ये पानी के ऊपर तैर रहा है और इसका लेवल बढ़ता रहता है। अगर बारिश होती है तो ये फ्लोट होकर ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि ये नीचे रस्सियों से बने हैं, ये नीचे कोई स्टेबल मतलब पोल वगैरह नहीं है। तो ये है हमारा रूम, हर रूम को कोई उन्होंने नाम दे रखा है, जैसे हमारे रूम का नाम है अप्सरा, उधर है अमृत गंगा, आगे यमुना है। तो हम एंटर कर रहे हैं अप्सरा। साइड में दो विंडो हैं, ये हमारा क्वीन साइज बेड है, साइड टेबल्स हैं, एक टेबल दी है सामान रखने के लिए, साथ में एक है कंफर्ट टेबल, नहीं है बहुत हार्ड है सोफा है, और यहाँ पे एक फ्रिज है और बाकी चाय कॉफी वगैरह पानी ये हमारा लगेज रखा है। फिर हम इस साइड आएंगे तो इस साइड एक स्टडी टेबल भी है और एक भी है, चेयर हमने अभी बाहर रख दिया। और ये है यहाँ पे एक और साइड टेबल, और यहीं पे डिनर भी दिया है बाबा के साथ। और ये है हमारा वॉशरूम, पर्दे के उस साइड नहाने के लिए ए सी भी है, अगर ए सी भी है और पंखा भी है, बट अभी जरूरत नहीं है, बट गर्मियों में जरूरत पड़ती है। और इस पानी में मछलियां भी है, दिख रही है वहां पे थी, अभी अभी दिख नहीं रही, दिखेंगी तो फिर हम दोबारा दिखा देंगे। यहाँ पे जो हमें यहाँ तक छोड़ने आए थे उन्होंने बताया, अगर आप सामने इस पहाड़ में देखोगे तो जो ये वाइट पोर्शन दिख रहा है यहाँ तक का पानी का लेवल ऊपर जाता है। तो जब पानी इतना ऊपर हो जाता है तो ये फ्लोटिंग हट्स भी ऊपर हो जाती हैं। अभी गर्मी आया तो आई थिंक पानी का लेवल डाउन है। हम लोग वहाँ से आए थे, अगर मैं जूम करके कोशिश करता हूँ दिखाने का, हम लोग यहाँ कहीं से आए थे। तो हम लोग एक कोने में आ गए हैं, इस कोने में अगर आप ये देखोगे तो ये मेंटेनेंस का है। अब उधर दिखाओ एक बार, एकदम लास्ट में अगर आप उस कोने में देखोगे तो वहाँ एक और हट है जो शायद किचन है। फिर यहाँ पे लाइन से ये सारे हट्स हैं, कोई तो यहाँ सारे हट है, सब सेम है, कोई अंतर नहीं है, सब फ्लोटिंग हट्स एक ही जैसे हैं, अंदर से भी है सब कुछ, कोई अंतर नहीं है। और ये भी तो दिखा दो। हाँ, हम इसके ऊपर तैर रहे हैं, मतलब ये सपोर्ट दे रहे हैं इस तरीके से। ले रोई, अच्छा वो तो रिजॉर्ट एक तरीके से है ना, ये भी
लेरोई फ्लोटिंग हट ही तो है। तो इस जगह का नाम लेरोई फ्लोटिंग हट गूगल कर लो क्योंकि हमने भी गूगल ही किया था। चलो किचन पे चलते हैं, मैं थोड़ा फास्ट में डालता हूँ। यहाँ थोड़ा सा सिटिंग एरिया है, ये जो स्पेस देख रहे हो आप ये डाइनिंग एरिया है। तो यहाँ पे अभी शाम को लाइव सिंगिंग भी होती है, तो जब होगी हम आपको दिखाएंगे। जैसा आप देख सकते हो पुल का कलर चेंज हो रहा है, ये भी हमने वीडियोस में देखा था, बहुत ही सुंदर लग रहा है कैमरे में। आई डोंट नो कितना आ रहा होगा, बट आप देखो पुल का कलर चेंज हो रहा है। और ये जा रही है रात में बोट चलाने का। यहाँ पे है डाइनिंग एरिया खाने पीने का। बारिश रुक गई है अब, तो अब रात भी हो गई है, पूरा जगमगा रहा है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा जगमगा चुका है। 8:30 बज गया है और हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो इवेंट होता है वो स्टार्ट हो। तो सब जगह लाइटिंग हो गई है और आप उस साइड देख सकते हो तो सुंदर सा ब्रिज हमें दिख रहा है। और यहाँ पे सिंगर जो है वो परफॉर्म करेगा, तो हम वेट कर रहे हैं फिर शुरू करें। हमने अपना स्नैक्स और जो डिनर है वो ऑर्डर कर दिया है, तो 10 बजे तक डिनर करेंगे और अब वेट कर रहे हैं स्नैक्स का और लाइव सिंगिंग का। तो प्यार में ऐसा काम करके